नमस्कार दोस्तों, बाबलू अड्डे में स्वागत है आपका। और अभी शाम का पहर होने वाला है और वीडियो मैं जल्दीबाजी से बना रहा हूँ कि मेरे पास और क्या चीज़ है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं आम का पेड़ लगाया हूँ और मेरे यहाँ बिग साइज के आम खिल गए। और कौन सा आम? आज से पिछले साल में नवंबर या अक्टूबर मैं वीडियो बनाया था बारहमासी आम का रहस्य। जाके उस वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत रैंक कर रहा है। हो सकता है कि वो वीडियो वायरल है क्योंकि उस पर अभी पर डे 500 व्यूअर है पर डे, ठीक है। उसमें जो आम का फल लगा हुआ था प्लस मोजर लगा हुआ था और प्लस छोटा सा टिकोरा लगा हुआ था, तो आम का फल खा गया। मोजर जो लगे थे वो तो झर गए कि क्या मुझे पता नहीं, लेकिन जो छोटा टिकोरा लगा हुआ था बहुत छोटा एकदम अंगूर के साइज का, वही टिकोरा आज बड़े बड़े आम हो गए हैं और दो आम हैं। और मेरे गार्डन में देख लीजिए किस कितना छोटा प्लांट है। ये आम को मैं बचा लिया और देख सकते हैं कि ये कितना छोटा प्लांट है। हाइट देख लीजिए, यहाँ मोजर है, वो टिकोरा बड़े हो गए हैं। इसको मैं घुमाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे घर के मेम्बर लोग इसको पत्ती में छेद करके इसको लुकवा दिया कि कोई बच्चा लोग न तो हुए। तो आप देख सकते हैं इसका वजन, देख सकते हैं ये कितना साइज में, दो आम मेरे पूरे हाथ में आ गए, ठीक है। इसका साइज आप मेरे मतलब हाथ हथेली से ही देख सकते हैं कि ये आम का, और ये पका हुआ भी एक कच्चा है, मतलब दोनों पकी लग हैं लगभग हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब, अब तो भाई हम साक्षात जो होता है कहने वाला और बोलने वाला में अंतर, मतलब कि आप मेरी हथेली में देख सकते हैं कि कितना बड़ा, इसके देख कर ही आप इसकी वजन लगा सकते हैं कि ये कितने ग्राम का है और ये कितना बड़ा साइज हो सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं आम का शौकीन हूँ और मैं कम से कम 10-20 पेड़ लगा चुका हूँ आम का अभी तक, जिसमें सभी आम के पेड़ मेरे मर गए और दो पेड़ ही मेरे पास बचे हुए हैं, वो भी मरते मरते। तो ये पेड़ तो भाई हमको एकदम बचाना ही बचाना है हर हाल में और डेवलप करना है। इस बार यहाँ भी सूख रहा था, काट दिया। और एक आम का पेड़ इधर भी है, ये भी मरते मरते बचा है, ठीक है। अब इस दोनों पेड़ को हमको बहुत अच्छी तरीके से केयर करना है। तो मेरा वीडियो में यही था, ज़्यादा तो वीडियो है नहीं, कुछ फूल वगैरह खिला। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।